करने आए और फर्स्ट टेक में मेरे बच्चे की ना सुनवाई हो, फर्स्ट टेक में सुनवाई हो और सर मेरे बच्चे का ना तुरंत इंसाफ मिले और उनके परिवार को भी इंसाफ तुरंत मिले। ये लड़का था मारगुल जो शुभम शर्मा इसका नाम, क्योंकि ये नाम से नहीं जानता और ये आई विटनेस था। प्रार्थी ने ये लिखाया कि जब ये गया तो ये मिला और इसको बोला कि जो हुआ ठीक हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना था। तो ये प्रार्थी ने लिखाया क्योंकि प्रार्थी उस समय विटनेस नहीं था, लेकिन इसका विटनेस में ये इसको पहचान रहा है। ठीक है, अब ये अच्छे से पहचान रहा है, कल दिन भर ये था। तो इसका विटनेस आप अभी ले लो, रिपोर्ट में बयान करा देंगे। आज 3 बजे है ना, 164 का, और शांति से आप जो देखे हो वो सारी बात बताइए कोर्ट में। किसी के दबाव में मत आइए, किसी के कहने पे मत आइए। जो घटना है, इस प्रकार के दुर्दांत घटनाएं जो हो रही है, आप कल्पना कर सकते हो ऐसी छत्तीसगढ़ में इस तरह के हत्या करने का काम, कि बॉडी के ऊपर नाच रहे हैं, तांडव किया सर। उन्होंने वीडियोग्राफी पे ऐसा वीडियोग्राफी बनाई है सर, तांडव करके मारने के बाद फोटो भी खिंचाएंगे पुलिस वाले को, तो तुम लोग के घर में उसके चाकू मारेंगे। इतनी भी डीलिंग होगी इनकी। 32 वर्षीय युवक मलकीत सिंह जिस बेरहमी और बेदर्दी से एक निर्दोष युवक की हत्या हुई है, और जो बात सामने आ रही है गदर फिल्म के पाकिस्तान मुर्दाबाद के विषय को लेकर ये हत्या हुई है, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी मेरी बातचीत हुई, उनके पिता से भी मैंने बात की, घटना की पूरी जानकारी ली है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और उस जिले के अंदर, जिस जिले से मुख्यमंत्री हो, जिस जिले से गृह मंत्री हो, उस जिले में इस प्रकार से एक 32 वर्षीय निर्दोष निहत्थे युवक की बेदर्दी से जो हत्या हुई है, ये छत्तीसगढ़ के क्या हालात हैं, छत्तीसगढ़ किस दिशा में जा रहा है, इस बात को बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और जितने भी दोषी हैं, प्रत्यक्षदर्शी 8 लोगों के द्वारा ये घटना करना बताया है, उन सभी की गिरफ्तारी हो, कड़ी से कड़ी सजा हो और फास्ट ट्रैक करके इसकी सुनवाई हो। ये कोई सहज घटना है, सामान्य घटना नहीं है कि घटना के बाद जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बॉडी पर नाचे हैं, कूदे हैं, उनकी सोच कितनी आपराधिक सोच के वो लोग होंगे, कितना गंभीर कृत्य उन्होंने किया है, ये बताता है ऐसी सोच को कुचलने की आवश्यकता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।